अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन चिली ड्राई। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए। आइए चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये है हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हमने ले लेना है 1 किलो बोनलेस चिकन। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ये सब मसाले आपके चिकन में भी शामिल होंगे और साथ में ग्रेवी में भी। उसके बाद आपने 3 टेबलस्पून ले लेनी है टमाटो केचप। ये हमने चिली गार्लिक केचप लिया, आप सिंपल टमाटो भी ले सकते हैं। उसके बाद चिकन पाउडर चाहिए आपको 1/2 टीस्पून, हरी मिर्च आपको चाहिए 8 से 9 अदद, 1 अदद शिमला मिर्च आपको चाहिए जिसको आपने जूलियन कट कर लेना है, लहसुन आपको पूरा बन चाहिए, मैदा आपको चाहिए 3 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर आपको चाहिए 2 टेबलस्पून और 1 अदद आपको अंडा चाहिए। अब सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेना है। इसके अंदर आपने लहसुन का पेस्ट डालना है, 1 अदद अंडा शामिल करना है, 2 टेबलस्पून आपने इसमें कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून आपने इसके अंदर मैदा शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है। इसके अंदर फिर हम शामिल कर देंगे सिरका 1/2 टेबलस्पून और सोया सॉस 1/2 टेबलस्पून, बाकी 1/2 हम ग्रेवी में डालेंगे। इन सबको आपने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। इस मैरिनेशन को कम से कम आपने 10 मिनट रखना है और उसके बाद आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। यह आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। इसके बाद आपने एक ऑयल लेना है, उसके अंदर शामिल कर देना है लहसुन का पेस्ट और उसके अंदर आपने शामिल कर देनी है हरी मिर्चें और शिमला मिर्च जो कि जूलियन कट हुई है। इसके बाद जो फ्राई हुआ हुआ चिकन है आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। जो मसाले 1/2 रह गए थे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके बाद 1/2 टीस्पून इसके अंदर हमने सरका शामिल कर दिया और वही 1/2 टीस्पून हमने सोया सॉस की शामिल कर दी। इसके बाद आपने सबको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। इसको 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर 3 टेबलस्पून केचप की शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने चिली केचप का इस्तेमाल किया है। सबको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करने के बाद हमारा चिकन चिली ड्राई अच्छे तरीके से बनके तैयार है। इसको आपने गार्निश कर लेना है सफ़ेद तिल के साथ। और ये देखिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।